वेलकम टू हम्प्टी डम्प्टी व्लॉग। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आपको अंगूरा रैबिट के बारे में बताएंगे और हमारे पास अंगूरा ब्रीड भी आ चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इब्राहिम चले खरगोशों को दिखाएँ जल्दी से आप। तो दोस्तों ये हमारे अंगूरा रैबिट है, ये देख सकते हैं आप। और ये आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास पहले की मुर्गियां थी, ये बुलेट है और ये उसके बच्चे हैं। और ये आप देखें कि ये कितने खूबसूरत हैं, वाइट कलर के। तो इनको ज़रा बाहर निकालें यार इब्राहिम, इनको ज़रा बाहर निकालें। लगता संभाला नहीं जा रहा। क्या हुआ? तो दोस्तों ये देखें, ये अंगूरा ब्रीड है, ये आप देखें कितने खूबसूरत है और कितने प्यारे हैं। ये जो खरगोश हैं ये आम खरगोशों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप देख रहे हैं इनकी जो वूल है, इनकी जो ऊन है, ये ऐसे लग रहा है जैसे भालू है, भालू का बच्चा है। तो इसको अब हम छोड़ के दिखाते हैं आपको। इस्माइल इसको छोड़ो ज़रा, यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है ठीक है, दूसरा भी ले आए। दोस्तों एक खरगोश तो हमारे यहाँ पे आके पौधे के नीचे आके छुप गया है, तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको छोड़ा था तो ये वो बैठा हुआ है। इसको वहाँ से निकालो यार, वहाँ से उस साइड से जाओ यार। ये पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ा जाता है तो पकड़ लो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, ले आओ ले आओ ले आओ। यहाँ पे रख दो इसको और दूसरे को भी ले आओ। वो दूसरे वाला भी लेके आओ आप, थोड़ा सा चारा लेके आओ इसका। और लेके आओ ना, और लेके आओ, ले आओ आप। यहाँ पे यहाँ पे रख दो, यहाँ पे नीचे करके। चलो ठीक है, पीछे हो जाओ। वो खुद ही आ जाएगा। दोस्तों ये खूबसूरत सी ब्रीड है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ। इसकी दोस्तों इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे भालू है। और इनकी आंखें जो हैं वो रेड होती हैं, ये रेड आइज़ होते हैं। दोस्तों अब इस अंगूरा ब्रीड की हिस्ट्री के बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ की ब्रीड है।
आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है और इसके जिस्म पे कितने वूल है और कितनी ऊन इसकी बहुत ज़्यादा है। ये भालू नुमा लग रहे हैं। ये बेसिकली तुर्की की ब्रीड है और तुर्की का शहर है अंकरा। और 18वीं सदी ईस्वी में तुर्की में जो टूरिस्ट सैर के लिए सैर सपाटे के लिए जाया करते थे तो उन्होंने तुर्की की ख्वातीन को देखा, कुछ अजीबोगरीब किस्म की उन्होंने शाल पहनी हुई थी जो लाइट वेट भी थी, खूबसूरत भी थी और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा गर्म भी थी। तो जो वहाँ टूरिस्ट आए थे, जो सैर के लिए लोग आए थे, तो उन्होंने उनसे उन ख्वातीन से पूछा कि ये शाल आपने कहाँ से ली हैं, कहाँ से परचेज़ की हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ खरगोश ऐसे हैं जिनकी ऊन से, जिनकी वूल से हम ये शाल बनाते हैं। तो वो खरगोश जो थे वो अंगूरा ब्रीड थी, ये वाली ब्रीड थी। तो जो लोग जिस जिस ममालिक से वहाँ आए थे वो अपने अपने ममालिक में ऐसे खरगोशों का ना एक पेयर अपने मुल्कों में ले गए। इनके कलर तीन किस्म के, तीन चार किस्म के इनके कलर होते हैं। वाइट होते हैं, ग्रे है, ब्लैक है और ब्राउन कलर में है। साइज़ के लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये अभी छोटे हैं, इनका साइज़ और बड़ा होता चले जाएगा इन्हीं खरगोशों का। तो इसी तरह जिन ममालिक में जो लोग जहाँ से आए थे वहाँ वो अपने अपने मुल्कों में एक एक इनका जोड़ा ले गए। जो जर्मनी से आए थे तो वो वहाँ पे जो अपने साथ जोड़ा ले गए खरगोशों का, तो वो जर्मन ब्रीड बन गई, जर्मन अंगूरा बन गए। जो इंग्लैंड से आए थे तो वो इंग्लैंड अंगूरा बन गए। जो फ्रांस से लोग अपने साथ इस अंगूरा ब्रीड को ले गए तो वो फिर वहाँ के फ्रेंच अंगूरा बन गए। बेसिकली ब्रीड जो ये है ये तुर्की की है, तुर्की शहर अंकरा की है। तो वहाँ से फिर ये मुख्तलिफ ममालिक में ये डिस्ट्रीब्यूट होते रहे। इस तरह के जो खरगोश थे ना, इनका साइज़ अभी मज़ीद बढ़ेगा, बड़े होते जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप कितनी इसकी वूल है और ख़ूबसूरत जो है ये इंतहा के ख़ूबसूरत है। आप इसको देख सकते हैं कि ये दूसरे खरगोशों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं और आंखें इनकी रेड होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि लाल सुर्ख आंखें हैं। तो अभी आप इसको समझ रहे सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा खरगोश है, लेकिन ये अभी बच्चे हैं, इनका साइज़ अभी मज़ीद बड़ा होगा। दोस्तों खरगोश जो हैं ये हमारे बड़े चलाक किस्म के खरगोश हैं और ये बहुत खुश हो रहे हैं, बार बार इधर पौधों के पीछे आके छुप जाते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।